दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, कैट विजन इंडिया न्यूज़ अपडेट से मैं शाहिद। चलिए एक बार फिर बात करते हैं बॉलीवुड की। दोस्तों, सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है सिम्बा की। जैसा कि आप जानते हैं, सिम्बा अब हिट हो चुकी है, हिट नहीं सुपर हिट हो चुकी है। रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने महज 12 दिन में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सिम्बा को सोलो रिलीज का फ़ायदा मिला। एक साल में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद रणवीर सिंह ने अब अपनी फीस बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों, 2018 में दीपिका पादुकोण से शादी और 2 हिट फिल्म देने के बाद रणवीर सिंह अब अपनी आने वाली फिल्मों के लिए ज़्यादा फीस लेंगे। वेबसाइट इंटरनेशनल द न्यूज़ की खबर के अनुसार, फीस बढ़ाने के साथ ही रणवीर सिंह वरुण धवन से भी ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन जाएंगे। बीते साल सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टरों में वरुण धवन शामिल थे। प्रोडक्शन में बनी सिम्बा में रणवीर सिंह के साथ सारा अली खान और सोनू सूद का अहम रोल है। सारा की यह इस साल की दूसरी फिल्म है। सिम्बा साउथ की सुपरहिट फिल्म टेम्पर की रीमेक है। फिल्म एक भ्रष्ट पुलिस वाले की कहानी है जिसका नाम सिम्बा है। इसके बाद रणवीर सिंह गली बॉय में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आया। आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अभिनेत्री आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में हैं। गली बॉय की कहानी मुंबई की मलिन बस्ती में रहने वाली एक साधारण लड़की की कहानी है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। टीजर देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार मुस्लिम लड़के का है।